नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही थी उसमें हम आज हमारा डे थर्ड है और अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में बजट और बजट 2024-25 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। आज के इस सेशन के अंदर हम जो बजट 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और बजट 2024-25 को आज हम समाप्त कर देंगे। उससे पहले हमने जो दो पहले क्लास ली थी उसके अंतर्गत जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो क्लास थी उसमें हमने बजट के बारे में और बजट के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सबसे पहले हमने देखा था कि बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। इतिहास के रूप में देखें तो सबसे पहले 1860 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के द्वारा भारत में सबसे पहले है जो कि बजट है जो कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था। उसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पूछे तो षणमुखम चेट्टी द्वारा और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट है तो जॉन मथाई द्वारा। प्रथम हिंदी बजट पूछे तो 1955 में सबसे पहले हिंदी बजट पेश किया गया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था और उसके बाद में कुछ बजट सुधार पड़ते हैं। बजट सुधार के अंतर्गत सारे सुधार कब हुए थे? 2017-18 के अंतर्गत। 2017-18 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था विवेक दोब्रोय समिति, जिसकी सिफारिश पर रेल बजट को पुनः आम बजट में मिला लिया गया था। उसमें यह भी निर्णय किया गया था कि जो बजट में दो प्रकार होते हैं, परम योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इस वर्गीकरण को भी क्या कर दिया गया, इसमें समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही बजट जो प्रस्तुत करने की तारीख थी वो 1 फरवरी को निश्चित कर दी गई थी। इसके साथ में कुछ फैक्ट हमने पढ़े थे कि अभी तक भारत में 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जिन्होंने बजट पेश किया, एक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा है जो कि भारत में 10-12 है जो कि बजट पेश किया। ये हमने बजट के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था बजट 2024-25, तो 2024-25 है वो 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था, क्योंकि चुनावी साल था तो सरकार ने पहले क्या अंतरिम बजट पेश कर दिया था, इसीलिए ये इस बार वाला बजट है वो जुलाई में पेश किया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने दो आपको बताए थे जो याद रखने थे वो क्या थे, आपको याद होंगे, एक बार वापस बता देता हूं। एक था राजस्व घाटा, एक था राजकोषीय घाटा। इन दोनों में दो दो पॉइंट थे। पहला में था राजस्व घाटा, एक तो वर्तमान में कितना है मतलब 2023 के अंदर कितना रहा वो, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इन 2024-25 में हमारा लक्ष्य कितना है, वो दोनों फैक्ट याद करने हैं। तो हमारा रहा कितना, वो रहा 2.6%। ये तो हमारा राजस्व घाटा 2023 के अंदर का रहा और हमारा टारगेट कितना है 1.8% हमारा लक्ष्य है। राजस्व घाटा 2023 के अंदर कितना रहा, 5.6% रहा और हमारा टारगेट है 2024-25 के अंतर्गत वो है 4.9%। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्ट है, इनको आप चार फैक्ट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि बजट प्राथमिकताओं के अंतर्गत 9 क्षेत्र पढ़े थे कि सरकार ने ये 9 क्षेत्र है ये प्रायोरिटी के रूप में रखा है विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए। तो उन 9 सेक्टरों को हम क्रमवाइज पढ़ रहे हैं जिसमें से 6 सेक्टर आज हमने पढ़ लिए, अब 6 के बाद दूसरे सेक्टर वो पढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यही था बजट की मुख्य विशेषता है और बजट कौन करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। उसके बाद में बजट में जो मुख्य जातियां थी जिसपे ध्यान दिया गया था वो थे अन्नदाता, किसान, युवा, गरीब और महिलाएं। और बजट की इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ये दोनों का दोनों फैक्ट आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट आपको बता दिया था। उसके बाद में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रयास किए, तो हमने पढ़ा था कि उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने हेतु और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। उसमें एक था परिवर्तनकारी कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सहकारिता को बढ़ावा देना, सब्जी मूल्य जो श्रृंखला है उसमें बढ़ावा देना, और एक हमने पढ़ा था कि आत्मनिर्भर जो तिलहन की 5 फसलें उनमें हमें आत्मनिर्भर करना, कौन कौन सी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी इनमें। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि नई किस्में विकसित करनी है, नई किस्में 32 किस्में करनी है कृषि के क्षेत्र में, और 109 है जो कि बागवानी फसलों के लिए नई किस्में हमें विकसित करनी है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने ऑर्गेनिक जो खेती प्राकृतिक कृषि उसके बारे में पढ़ा, फिर झींगा उत्पादन और निर्यात के लिए, और फिर डीपीआई के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमारा जो अगला है वो है कौशल
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत हमने कुछ पैकेजेस पढ़े पहली बार रोजगार प्राप्त करने में। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया था कि आपको एक याद रखना है, ये सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के तहत 7.5 लाख रुपए देते हैं, और अगर घरेलू संस्थान के अंतर्गत हमें अगर उच्च शिक्षा चाहिए तो उसके लिए सरकार 10 लाख रुपए तक की ऋण देती है, और उसकी ब्याज कितनी होती है, 3% वार्षिक ब्याज पे वो लोन दिया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, उसमें हमने पढ़ा था कि एक सूर्योदय पहल है थी, वो पढ़ी थी हमने, क्या था, सूर्योदय पहल। और सूर्योदय पहल कितने स्टेट में थी, 5 स्टेट में, जो पूर्वी राज्य, पूरी भारत के 5 स्टेट हैं जो है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, उनमें कौन कौन से थे, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट थे जिनमें यह पहल शुरू की गई थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि एक योजना है, उसको आप अच्छे से याद कर लेना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें 63,000 गांव है वो शामिल है, और जनजातीय क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका प्रमुख पर्पज है। उसके बाद में हमने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट पढ़ा था, और उसमें एक सिंचाई परियोजना का नाम पढ़ा, वो क्या नाम था, पोलावरम सिंचाई, और ये किस पे है, आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद में हमने विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट दो चीजें हमने बताई थी, और एक यहाँ पर राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने, 12 औद्योगिक पार्क विकसित करने। उसके बाद में जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, पहला था कि मुद्रा योजना में 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण की सीमा कितनी थी, 50,000 तक, किशोर ऋण की सीमा कितनी थी, 5 लाख तक, और तरुण ऋण की सीमा थी 10 लाख, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, अभी सरकार ने बढ़ाकर इसको 20 लाख रुपए कर दिया। तो इसको ध्यान रखना है कि वर्तमान में तरुण ऋण की सीमा कितनी है, तो तरुण की कितनी सीमा है, 20 लाख रुपए तक। तो अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो मुद्रा योजना है उसमें अधिकतम ऋण वर्तमान में कितना दिया जा रहा है, तो कितना दिया रहा है, 20 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमने इंटर्नशिप अवसर पढ़ा था, वो 5 वर्ष की अवधि के लिए जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उनको है, जो कि 1 करोड़ युवाओं को है, जो कि इसमें इंटर्नशिप प्रोत्साहन दिया जाएगा, और उसको जो इंटर्नशिप करेगा उसको 5,000 रुपए प्रतिमाह रुपए दिया जाएगा, और एक मुश्त है जो कि 6,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में हमने शहरी विकास पढ़ा, शहरी विकास में स्टाम्प फ्री, अगर महिला के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो राज्य सरकार को प्रोत्साहित करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दिया जाए। उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें पढ़ा, पीएम आवास योजना, 10 करोड़ की आबादी वाले में ये पीएम आवास योजना 2.0 शुरू की गई है। उसके बाद में हमने ऊर्जा सुरक्षा में पढ़ा, ऊर्जा सुरक्षा में हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था, AUSC ताप विद्युत परियोजना, ये किसकी संयुक्त परियोजना है और कितना इसमें विद्युत उत्पादन होगा, तो ये हमने पढ़ा NTPC और BHEL की एक संयुक्त परियोजना है, और इससे 800 मेगावाट वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, जिसमें कितना, 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली और 300 यूनिट प्रति माह बिजली है जो कि मुफ्त दी जाएगी, ये आज हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमारी जो अगली क्लास है, आज का सेक्शन वो शुरू करते हैं। आज के सेशन के अंदर का जो विकसित भारत की प्राथमिकता का 7वां क्रम है वो पढ़ेंगे। 7वां क्रम क्या है, 7वां क्रम है हमारा अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार ये प्रावधान है कि अवसंरचना के लिए 1111 का प्रावधान है, मतलब GDP का 3.4% अवसंरचना विकास के लिए सरकार है जो कि खर्च करेगी। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो सरकार किस पे खर्च कर रही है, अवसंरचना पर। अवसंरचना के लिए हम पढ़ते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जो कुछ, जैसे लॉजिस्टिक नीति है, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति है, ये सारी की सारी किसमें आ जाती है, भारतमाला, सागरमाला परियोजना, ये सारी की सारी योजना किससे संबंधित है, अवसंरचना से संबंधित है। इसके बाद में संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख रुपए करोड़ दिए जाएंगे। इसको ध्यान में नहीं रखना है, अपने ध्यान किसमें रखना है, एक इसका रखना है, ये भी पूछ सकते हैं कितने रुपए, तो ये तो याद करना बहुत ईजी है, सारे 111 है, और GDP का याद रखना कितना, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है 3.4% है, तो इसको याद रखना है। फिर है 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PMGSY का चरण चौथा है जो कि शुरू किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़क कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। फिर सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, सिंचाई है जो कि बिहार वगैरह वो राज्य है या फिर उड़ीसा, उनमें सिंचाई, उसमें बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, ठीक है, तो उसके लिए क्या परियोजना है, उसमें कहा गया कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू एवं नई
इस इमिको स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये कोसी, कोसी आपको पता है बिहार की नदी है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, और वहीं पर एक मेची वहां की सहायक नदी है, उनके लिए अंतर्राज्य लिंक के लिए सरकार कितने रुपए देगी, 11,500 करोड़। फिर हमें असम सिक्किम उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता देगी। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए सहायता। तो इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना, याद रखने लायक इसमें ये एक इफेक्ट है, तो आप अपने नोट्स में इसको हाईलाइट कर देना। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, वो है पर्यटन। पर्यटन के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास की है। तो पर्यटन में हम देखते हैं कि काशी विश्वविद्यालय मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर व मां बोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर सरकार ने पहले बनाया है उसी की तर्ज पर ये दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। और ये दोनों कॉरिडोर कहाँ है अपने, दोनों बिहार के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में हिंदुओं बौद्धों और जैनों के धार्मिक महत्व के स्थल के लिए राजगीर के लिए व्यापक विकास मॉडल। राजगीर ये भी कहां पर है, ये भी बिहार के अंतर्गत है, आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें ये सारे टॉपिक आते होंगे। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को इसके गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, ये भी हमारा बिहार के अंतर्गत है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसमें है, बिहार के अंतर्गत है। तो इस बार सरकार है जो कि, जो हमने अगर बजट को आप ढंग से रिव्यू कर रहे हो देख रहे हो, तो सरकार एक तो बिहार और एक आंध्र प्रदेश, इन दोनों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मोदी जी का शायद दिल इन पे ज्यादा आ गया, इसकी वजह आपको पता होगी कि इस बार जो अलायंस है, गठबंधन की सरकार बनी है जिसमें बिहार नीतीश बाबू का और चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश, उनका उनकी सहायता से सरकार बनी हुई है। इसीलिए इस बार का जो बजट है उसमें आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, उनको स्पेशल सौगातें दी गई है, ठीक है। फिर है जो कि उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगर, वन्य जीव अभयारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य एवं मनोरम समुद्री तट के विकास को सहायता दी जाए। ये अभयारण्य वर्ड थोड़ा ध्यान में रखना, ये गलत लिखो, अ भ पूरा आता है, ठीक है। फिर हमारा है जो कि इनोवेशन, नवाचार या नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास। नवाचार के लिए क्या क्या प्रयास है, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का शुरू किया जाएगा। मतलब अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक निधि बनाई जाएगी, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि, इसमें आपको याद नहीं रखना, ठीक है। फिर 1,00,000 करोड़ के वित्त पोषण पुल के रूप में वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नव प्रवर्तन, मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, आप इनोवेटिव आइडिया करो, इनोवेशन पे ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनोवेशन के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगी। फिर हमारा जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना चाहिए। तो आपके अगर पूछ ले इकोनॉमी या फिर साइंस में भी कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है, तो उसमें ये फैक्ट डाल सकते हो आप मेंस में कि सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो आपको इसमें क्या क्या याद करना है, इसमें एक तो ये पॉइंट याद करना है, पहला वाला काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। तो पूछेगा कौन कौन से कॉरिडोर इस बार बनाए जाएंगे, तो एक याद रखना विश्वपद और दूसरा है महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, दोनों बिहार के अंतर्गत है, दो नाम ये याद रखने हैं। उसके बाद में ये राजगीर के लिए याद रखना है, फिर उसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो आपको याद ही होगा, और उसके बाद में ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला, इसको याद रख लेना कितने रुपए का, 1,000 करोड़ रुपए का हमारे वेंचर कैपिटल फंड बनाए हैं। उसके बाद में हमारा है विकसित भारत के लिए जो प्राथमिकताओं में क्रम नंबर 9 हमारा लास्ट है वो है, और वो क्या है, अगली पीढ़ी के सुधार, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें क्या क्या करना है वो इसके बारे में है। नेक्स्ट जनरेशन में ग्रामीण एवं शहरी भूमि संबंधी कार्य इसमें किए जाएंगे। कौन कौन से कार्य है सर, तो पहला कार्य है कि सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार नंबर होगा। भाई याद रखना, अब जल्द ही सरकार ये नियम लेके आ रहे हैं कि जितनी भी लैंड है उनका भी एक आधार नंबर होगा, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे जमीन का क्या होगा, आधार कार्ड होगा। बस इतना हो गया कि वहां जमीन की फोटो होगी, अपनी फोटो नहीं होगी, तो इसका मतलब वहां की फोटो ढंग की आई, अपने आधार कार्ड में जो फोटो आती है ऐसी तो नहीं आएगी। फिर है
वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाएगा, जो भी जमीन है उनका क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों का डिजिटल किया जाएगा और के मानचित्र का डिजिटल किया जाएगा और भू रजिस्ट्री बनी जाएगी। ये सिंपल है, आपको इसमें से एक भी पॉइंट याद नहीं रखने, ना पूछे जाएंगे। फिर है जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोमस जलवायु अनुकूल एवं उपशमन से संबंधित निवेशकों की पूंजी उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, ये भी आपको याद नहीं रखना है। फिर है जो कि एफडीआई और ओवरसीज निवेश, एफडीआई को सरल बनाने एवं ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को सरल किया गया। मतलब जो एफडीआई भारत जो फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, मतलब विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर निवेश करती है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए काम किए जाएंगे, इसको भी आपको याद नहीं रखना है। फिर आपको याद रखने वाली इसमें ये बात है, एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य क्या है, ये आपको योजना याद रखनी, हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए एनपीएस वात्सल्य का संबंध किससे है। ठीक है, क्या है इसमें, अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना। इसका मतलब छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक मतलब बैंक अकाउंट की तरफ अकाउंट होगा, माता पिता या जो भी अभिभावक हैं वो अवयस्क बच्चे के लिए एक अकाउंट खोलेंगे, उसमें कम से कम 1000 रुपए जमा करवाने होंगे और जब 18 साल का वो लड़का या लड़की हो जाएगी उसके बाद में वो रुपए हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये योजना, इसका नाम क्या है, एनपीएस वात्सल्य योजना, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। फिर डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण प्रसंस्करण और प्रबंधन करना याद नहीं रखना है। नई पेंशन योजना, संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा, इस ये भी आपको याद नहीं करना। तो इसमें ये एक चीज है वो आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये हमारा विकसित भारत के 9 जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र है वो हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं मजबूत आर्थिक आधार में, हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक, हम इस बार जो इकोनॉमिक में जो सुधार हुआ है उसको देखते हैं एक मैप के द्वारा कि कैसे कैसे सुधार हुए। आपको इसमें याद रखना जैसा कुछ नहीं है, जो याद रखना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है चालू घाटे में सुधार 2024। देखो आप मैप देखो कि 2020, 21, 22 और 23 में सरकार का चालू घाटा ऊपर था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है और वर्तमान में एक स्टेप। ठीक है, तो ये इसके बाद में हम देखते हैं कि विस्तारणीय पीएमआई इंडेक्स, इसको भी ध्यान में रखना है। भारत की जो विकास दर है वो हम आगे इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे उसमें हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी विकास दर कितनी है, 8.2% है। उसके बाद में राजकोषीय घाटे में सरकार कमी किस प्रकार करी, जो हम पढ़ रहे हैं, पहले 21 में 9.2 था, 22 में 6.7 हो गया, 23 के अंदर का 6.4 था और अभी कितना है, 5.6% जो हमने पढ़ लिया। और हमारा नेक्स्ट टारगेट कितना है, 4.9% का हमारा टारगेट है। फिर मुद्रास्फीति में नियंत्रण, मुद्रास्फीति पहले 6 की थी, फिर 6.7 की हो गई थी 2023 में, कम हो गई, कितनी हो गई, 5.4% की हो गई थी। फिर हम पढ़ते हैं सरकार ने इस बजट में कुछ कर प्रस्ताव किए हैं, वो देखते हैं कर प्रस्ताव क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले यहां ठीक है, करों का सरलीकरण किया जाएगा। अब सरलीकरण कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आयकर एक्ट 1961 है उसकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि ये पुराना अधिनियम है और वर्तमान में ये ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, कुछ इसके बिंदु है उनकी समीक्षा किया जाना अनिवार्य है। इसीलिए सरकार कह रही है कि 1961 का एक्ट है उसकी क्या किया जाएगी, समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाओं में टीडीएस का सरलीकरण किया जाएगा, मुकदमेबाजी और अपील और कर आधार में वृद्धि करना इस बार के जो कर प्रस्ताव के प्रमुख मुद्दों में एक है, कर आधार का वृद्धि, कर आधार में वृद्धि। इसका मतलब क्या हो गया, सरकार है चाहती है कि अधिक से अधिक लोग है जो कि कर दे, कर देने वालों की संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। हमने एक वक्र पढ़ा था, आपको पता होगा लोफर वक्र, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कर की मतलब जो रेट है वो कम होनी चाहिए, पर कर का आधार क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। आगे हम जब टैक्सेस वगैरह पढ़ेंगे उसमें वो वक्र आ जाएगा तो उसको समझेंगे किस प्रकार वो वक्र है। तो वो यही कह रहे हैं कर आधार में वृद्धि। उसके बाद में है व्यापार में आसानी, शुल्क में व्यतिक्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा करना। उसके बाद में हमारा है सीमा शुल्क में परिवर्तन, ये हमने पढ़ लिया था कि कैंसर की 3 दवाओं की सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट, 3 दवाएं हमने टेस्ट जुमाब वगैरह वो जो 3 दवाएं नाम याद रख लेना उनमें हमने पढ़ लिया। फिर मोबाइल फोन, मोबाइल
पीसीबी और चार्जर पर बीसीडी घटाकर 15% कर दिया। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% की दिया। झींगा एवं फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% कर दिया गया। और ये खनिजों वाला है, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको कैंसर वाली तीन दवाएं इनको याद रखना है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है अगला आता है सरकार के प्रत्यक्ष कर के संबंध में कुछ प्रावधान किए हैं, वो क्या है देखते हैं हम। प्रत्यक्ष कर में सरकार ने ये किया है कि अनुपालन का बोझ करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना, इसमें सरकार के प्रावधान। पहला है कि पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना, इसमें क्या किया गया, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% टैक्स लगेगा। आप में से कुछ लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप एंजल इन्वेस्ट सॉरी ग्रो एप पे कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक तरीका होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंजल वन में या ग्रो एप के माध्यम से जहां पर भी। तो उसमें क्या होता था, अभी तक क्या होता था, टैक्स नहीं लगता था, पर इस बार के बजट में यह प्रावधान कर दिया कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में से अगर पैसा कमा रहे हो, उस पर आपको लाभ मिल जाए, तो उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर सभी वित्तीय एवं गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष की। इनमें से आपको एक भी चीज याद नहीं रखनी है, ठीक है। फिर निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये एंजल कर क्या होता है, नाम सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा, एंजल परी सुना होगा, एंजल अभी वो एक हिंदी की उपन्यास टाइप में आया था कलेक्टर साहिबा में, उसमें भी शायद उस लड़की का नाम एंजल ही बता रहे थे वो कैलाश जी। तो ये एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल कर क्या होता है, सबसे पहले ये देखें। मान लो ये कोई कंपनी है, मुकेश अंबानी ने ये कोई कंपनी खोली है, और कंपनी जब बड़ी कंपनी खुलती है तो क्या करते हैं, वो अपने मार्केट में शेयर बेचती है, और मुकेश अंबानी ने फिक्स कर दिया कि एक शेयर की कीमत कितनी है, 1,000 करोड़ रुपए। ये शेयर खरीदने वाले 3 लोग हो गए, ठीक है। अब एंजल कर समझते हैं कैसे लगता है। एक कंपनी मुकेश अंबानी ने अपनी कोई कंपनी खरीदी जिसका नाम ए है, और वो कंपनी क्या करेगी, इस मार्केट में अपने शेयर बेचेगी, और उस एक शेयर की कीमत है 1,000 रुपए, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो शेयर खरीदने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, इन शेयरों की कीमत है वो बढ़ जाएगी, और मान लो इसकी कीमत बढ़कर कितनी होगी, 1200 करोड़ रुपए होगी। कितनी होगी, 1200 करोड़। एक शेयर अब कितने में बेच रहे हैं मुकेश अंबानी, 1200 में, वास्तविक कीमत 1000 थी, और बेच कितने में रहे, 1200 करोड़ में। इसका मतलब क्या हो गया, पर शेयर इसको लाभ कितना हुआ, 200 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ, पर शेयर लाभ ज्यादा हो गया, क्योंकि वास्तविक कीमत 1000 करोड़, बेच कितने में रहा, 1200 करोड़ में, तो अतिरिक्त लाभ कितना हो गया, 200 करोड़। तो सरकार कह रही है कि ये जो आपको अतिरिक्त लाभ हुआ है, अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है, इस पर कर लगेगा, उसी कर को क्या कहेंगे, एंजल कर कहेंगे। मतलब एक कंपनी द्वारा अपने जब मार्केट में शेयर बेचे जाते हैं, तो शेयर अगर वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं, तो उनसे जो लाभ प्राप्त होता है, उस पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, एंजल टैक्स कहलाता है। और अभी निवेशकों पर ये क्या कर दिया है, एंजल टैक्स क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि निवेशक है जो कि इसकी वजह से निवेश करने में सक्षम ज्यादा नहीं हो पाते, वो निवेश में ज्यादा अभी रुचि है वो नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में घरेलू क्रूड चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था, विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर को 40% से घटाकर 35% कर। इसमें से आपको याद रखने वाला पॉइंट एक तो ये है, इसको आपको याद रख लेना है कि जो वित्तीय परिसंपत्तियों के लघु अवधि वाली है, उस पर 20% है टैक्स, फिर एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है विदेशी कंपनियों पर, ये 40% से कम कर कितना कर दिया, 35%। ये 3 फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं। फिर हमारी जो नई कर प्रणाली है वो कैसे है वो देखते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख कमाते हो तो 5%, 7 से 10 लाख कमाते हो 10%,
दस से बारह लाख कमाते हो तो 15%, 12 से 15%, 15 लाख कमाते हो 20%, और अगर 15 लाख से वार्षिक रूप में अधिक कमाते हो तो आपको 30% टैक्स लेना होगा। पर जैसे अभी ये 3 से 7 लाख एक्चुअल में लगभग वर्तमान में 7.5 लाख रुपए अगर कमाते हो तब तक आपको टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि सरकार इसमें अनेक प्रकार की रियायतें देती है। लिखा हुआ है कि 7.5 लाख तक टैक्स देना होगा, पर अनेक रियायतें छूट दी जाती है जिसकी वजह से हमें टैक्स एक्चुअल में नहीं देना होगा। तो एग्जाम में हमें ये अगर पूछा है, हमारा टैक्स स्लैब पूछते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको इसमें कौन कौन सी फैक्ट, एक ये याद करना है, फिर एंजल टैक्स और फिर कॉर्पोरेट टैक्स विदेशी कंपनी वाला, और जो नई कर व्यवस्था है वो याद रखनी है। उसके बाद में भाई ये क्वेश्चन तो आने की सबसे ज्यादा संभावनाओं में से एक है। अब उसको क्या लगाते हैं, मोस्ट, डबल मोस्ट, जो भी आपको लगाना है वो लगा लो, मोस्ट, सुपर डुपर, जो भी लगाना है इसको लगा लो। क्या क्वेश्चन है, रुपया कहां से आता है और रुपया कहां को जाता है, हम कहां खर्च कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ कहां से रहा है। तो इसका सबसे क्वेश्चन पूछने का तरीका दो ही होगा, या तो सीधा वन लाइनर पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा पैसे कहां से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे कहां जा रहे हैं, वन लाइनर में ये हो गया। और अगर ढंग का क्वेश्चन पूछेगा तो वो कर्म पूछेगा आपके कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है इसका कर्म बताओ, और सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है इसका कर्म बताओ। तो आपको कर्म वाइज इसको याद रखना है। तो सब रुपया कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास पैसा कहां से आता है इसको हमें ध्यान में रखना है। तो पैसा कहां से आता है, देखो भाई हमारा पहला है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो है उधारी एवं अन्य देयताओं से। हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा आता है 27 कुल रुपए, अगर मान लो 100 रुपए हैं हमारे पास, तो इससे ज्यादा हमारे सबसे ज्यादा हमारे पास पैसे आते हैं। फिर हमारे पास पैसे आते हैं वो आता है हमारा आयकर से 19%, फिर जीएसटी एवं अन्य कर से हमारे पास पैसा कितना आता है 18%, फिर जो निगम कर है उससे पैसा कितना आता है 17%। तो चार तो ये हो गए बड़े, और उसके बाद में हमारे जो पास पैसे आता है वो है कर भिन्न प्राप्तियां, वो कितना है 9%। तो आपको ये चीजें सिक्वेंस में याद रखने, सिक्वेंस के हिसाब से याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसी बाद में रुपया कहां जाता है, तो सबसे ज्यादा हम पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं कर एवं शुल्कों में, राज्यों की हिस्सेदारी हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मान लो अगर ये ऑप्शन ना आए तो फिर और इसमें भी ये ऑप्शन ना आए तो सबसे ज्यादा हमें पैसे कहां से आएगा, आयकर से, ये बताना है, ठीक है। अगर ये ना आए ऑप्शन में तो फिर दूसरा क्या, हमारे पास ब्याज भुगतान में हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। फिर का केंद्रीय क्षेत्र जो स्कीम है उसमें सबसे ज्यादा जा रहे हैं। फिर हमारे पास पैसा कहां जा रहा है, वित्त आयोग एवं अन्य जो अंतरण है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। उसके बाद में हमारा केंद्रीय प्रयोज योजना है, या फिर जो डिफेंस है 8% है इसमें। उसके बाद में अन्य व्यय, फिर सब्सिडी और फिर पेंशन। इस प्रकार पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से घोट लेना भाई, पूरा निचोड़ देना। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन फ्री में जरूर पूछा जाए आपको, रात को कोई 2 बजे को उठा के नींद से, हाँ भाई बता रुपए सबसे ज्यादा कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे, तो भी आपको याद होना चाहिए। मतलब इस प्रकार आपको इसको रट्टा मारना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में बजट में प्रमुख मदों के लिए वे, मतलब हमारा जो इस बार बजट पेश किया गया, तो सबसे ज्यादा हमने पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं वो इसमें बताया गया। तो सबसे ज्यादा हमने पहले शायद पहली क्लास में इसमें पढ़ लिया था, सबसे ज्यादा हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, डिफेंस के अंतर्गत, फिर ग्रामीण विकास के अंतर्गत, फिर कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप में, फिर गृह में। तो आपको ये जो टॉप चार है ना, इन चारों का क्रम वाइज याद रखना है सीरीज के हिसाब से, कि सबसे ज्यादा कम फिर ऐसे याद रखना, ठीक है। हो सकता है वो चार क्रम पूछ ले, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन, सरकार किस पर कितना खर्च करे, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमारा है प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व और पूंजीगत व्यय, कहां मतलब पूंजीगत के क्षेत्र में पैसा कहां आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सारी की सारी जब हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लास करेंगे उसमें सारा ये कवरअप हो जाएगा, तो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी इकोनॉमिक का जो बजट 2024-25 है वो हमारा पूरा हो गया। आई होप आप में किससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हमने जो पूरा पढ़ा है उसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारा 20-21 पन्नों का ये पूरा बजट है। और शायद अगर आप खुद के अगर नोट्स बनाओगे, अगर इसको लेकर खुद के नोट्स बनाते हो, तो 1 या 2 पन्नों में आपको हो जाएगा, इतना याद करना है। पहले पेज में कितने 2 लाइन याद करनी है आपको, दूसरे पेज में इसमें भी 1 लाइन 2 लाइन ये याद करनी है। इसके बाद में इसमें कितने याद करना है, इसमें एक तो आत्मनिर्भरता वाला याद करना है, और नहीं कि इसमें 2 लाइन इसमें याद करनी है,
फिर कौशल विकास वाले में हमें सिर्फ दो लाइनें याद करनी है, तो कितनी लाइनें हो गई? दो, चार और छह लाइनें हो गई। उसके बाद में पूर्वोदय में दो, सात आठ नौ दस और 11 लाइनें हो गई। उसके बाद में दो लाइनें ये 12 13 14 15 और 16 लाइन, फिर एक 17 18 19 20 21 22, कुल मिला के लगभग 40 एक लाइनें, मतलब या तो एक पेज या फिर दो पेज, इससे ज्यादा आपका नहीं होगा। तो आप होस्ट कोशिश करना कि अगर आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके आप जो अंडरलाइन की भी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ताकि जब वापस प्री का टाइम आए तो उसको रिविजन करने में आपको सहूलियत हो। तो इसके साथ ही हमारा जो बजट का सेशन है वो समाप्त होता है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारा इंडियन इकोनॉमी सर्वे से शुरू करेंगे कल, और इंडियन इकोनॉमी सर्वे के बाद में हमारा जो बेसिक इकोनॉमी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, तब तक सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।